कौन बनेगा नया कांग्रेस अध्यक्ष? अशोक गहलोत को पद सौंपना चाहती है कांग्रेस। देश में कितने गैर गांधी कांग्रेसी अध्यक्ष रहे? कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इस बीच खबर है कि पार्टी की मौजूदा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत नासाज है और वो इलाज के लिए विदेश जा रही हैं, जबकि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया है कि वो पार्टी अध्यक्ष के रूप में वापसी के मूड में नहीं है। हाईकमान ये भी साफ कर चुका है कि इस बार गांधी परिवार से बाहर का कोई शख्स अध्यक्ष बनना चाहिए। ऐसे में पार्टी एक नए नेतृत्व की तलाश में है। हालांकि ये भी सवाल बरकरार है कि पार्टी का नया अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या नहीं। फिलहाल इस रेस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी चाहती है गहलोत आगे आकर इस पद की जिम्मेदारी संभाल ले, लेकिन अशोक गहलोत ने खुद इस मामले पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। बता दें, पार्टी का हाल ऐसा है कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी खोई जमीन को पाने की तलाश में लगी है। ये पार्टी 54 साल तक केंद्र की सत्ता में रही है और देश को 7 नेता प्रधानमंत्री दिए हैं। अध्यक्ष पद की बात करें तो पार्टी ने आजादी के बाद से 19 नेताओं को अध्यक्ष पद पर बिठाया है। कहा जाता है कि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार की चलती है, लेकिन अगर आप आजादी के बाद बने पार्टी के 19 अध्यक्षों को देखें तो पता चलता है कि इसमें नेहरू गांधी खानदान के 5 लोग हैं। हालांकि आजादी के 75 सालों में 40 साल इस परिवार का ही कोई न कोई सदस्य अध्यक्ष पद पर काबिज रहा। साल 1998 के बाद लगातार सोनिया या राहुल गांधी ही अध्यक्ष रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कितने गैर गांधी कांग्रेसी पार्टी प्रेसिडेंट बने हैं। 1948 से 1949 तक कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष बने और नासिक सत्र की अध्यक्षता की। 1960 से 1963 में आंध्र प्रदेश के प्रमुख नेता नीलम संजीव रेड्डी अध्यक्ष थे। 1964 से 1967 तक के कामराज INC के अध्यक्ष रहे। 1968 से 1969 तक एस सिद्वनल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1970 से 1971 तक कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबू जगजीवन राम अध्यक्ष रहे। 1972 से 1974 तक शंकर दयाल शर्मा ने 4 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1975 से 1977 तक देवकांत बरुआ ने अध्यक्ष पद की सदस्यता ली। 1992 से 1996 तक PV नरसिम्हा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1996 से 1998 तक PV नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने। साल 1998 के बाद से लगातार सोनिया या राहुल गांधी ही अध्यक्ष रहे हैं। अब देखना ये है कि पार्टी किसे अपना नया अध्यक्ष बनाती है।